हेलो गाइज, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आपको दिखाते हैं कांकनवाड़ी फोर्ट, जो बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कैद करके रखा था। और काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ पर काफ़ी खजाना भी छुपाया हुआ है, ऐसा यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। आइए आपको इस मंदिर को, इस फोर्ट का अंदर का व्यू दिखाते हैं, जो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये जो फोर्ट है, ये नीलकंठ महादेव से लगभग 15 किलोमीटर दूर कांकनवाड़ी गांव में स्थित है। और ये काफ़ी पुराना है, एक्चुअल डेट तो ध्यान नहीं है। इसका पोर्शन देखोगे, ये पूरा का पूरा लिखाई से पूरा ख़राब कर रखा है। ये देखिए, इसका व्यू आप अंदर से देखिए, कितना इसका शानदार व्यू है, जो अभी खंडर में पूरा तब्दील नहीं हुआ है। अगर इस पे प्रशासन ध्यान देता है तो काफ़ी इसका अच्छा आप व्यू कर सकते हो। ये देखिए, पूरा का पूरा ये पोर्शन जो अभी डिजाइन बनाया गया है, अंदर चमगादड़ दिख रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं हमें चमगादड़ तो पक्का दिखते ही हैं। ये देखिए, चमगादड़ दिन के उजाले में। और पूरी की पूरी जो दीवार है वो ऐसे ही ख़राब कर रखी है। ये शायद ऊपर चमगादड़ के घोंसले होते होंगे, क्योंकि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा कहीं भी। इस फोर्ट को आपको हम पूरा घुमाते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ से एंट्री लगभग खंडर में तब्दील हो चुका है। सभी प्राचीन महल में देखते हो, पानी के लिए, जो पानी के इंतजाम के लिए टांका होता था, वो टांका यहाँ पर भी स्थित है। और यहाँ पर अब भी पानी भरा हुआ है। यहाँ की प्रॉपर गहराई तो हमें मालूम नहीं है, कूद के देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी ऐसा कोई मूड नहीं है। और जैसा कि यहाँ के लोग मानते हैं कि यहाँ पर खजाना छिपाया गया था, जो दारा सिकोह को यहाँ पर कैद किया गया था, तब औरंगजेब ने यहाँ खजाना छिपाया गया था, इसलिए लोगों ने यहाँ पर काफ़ी खुदाई कर रखी है। और ये देखिए, एक तरह से सुरंग सी, ये सुरंग सी लग रही है। और काफ़ी चमगादड़ भी हैं, इधर अंदर नहीं जा सकते, इसमें चमगादड़ों के बच्चे काफ़ी हैं। ये जो प्रॉपर आप ये जगह देख रहे हो, ये सारा सिर्फ खजाने के लिए ही लोगों ने खोदा है। आप ये देखिए, इधर प्रॉपर बंद, ये कुछ कुआ टाइप में लग रहा है, चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। ये शायद गुफा कुछ, ये तो कुछ किला या गुम्बद सा कुछ ऐसा लग रहा है। कोशिश करते हैं। ओहो, बहुत ही, शायद ये खजाने का रास्ता यही है। बिल्कुल अंदर एक कुआ सा नहीं बोलते, कुआ, वो भी बिल्कुल गहरा और सुनसान। यहाँ पर कुछ चमगादड़ ही चमगादड़ हैं, खौफनाक है। और यहाँ पर अलाउ नहीं है बिल्कुल अंदर जाना। ये आप देखिए, बालकनी में से जो पूरा का पूरा बाहर का व्यू, ये कितनी पहाड़ की चोटी पे ये बनाया हुआ है फोर्ट, कितना शानदार जगह है ये, कितनी शानदार लोकेशन यहाँ की। पूरा का पूरा सरिस्का के जंगलों से ये घिरा हुआ है। आइए, ये तो अभी इसका जस्ट एक ही पार्ट था, हम आपको इसका पूरा ऊपर से व्यू दिखाते हैं। जैसा कि हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, और आप यहाँ से बिल्कुल बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए थोड़ी सांस फूल गई है। और आप ये जो देख रहे हैं, इतने साल पुराने भी, ये पानी का टाँका हुआ करता था। और इसके चारों तरफ भी आप कितनी कारीगरी से देखो, डिजाइन बनाए हुए हैं। यहाँ पर प्लांट उगाते थे कुछ, कितनी कारी ज़बरदस्त कारीगरी करी गई है। आइए, हम आपको अंदर ले चलते हैं।
अंदर से देखिए कितना, ये फोर्ट जो है शायद शिकार घा के लिए बनवाया गया था, और यहाँ पर एक बंदे मिले, उन्होंने बताया कि राजा जयसिंह ने ये अपने शिकार के लिए जगह बनाई थी, जो यहाँ पर शिकार करने आते थे, जब यहाँ पर रुका करते थे। और आप ये देखिए, ये शायद लॉबी में डांस वगैरह कुछ, एक गैलरी सी है लॉबी, इसमें कुछ डांस वगैरह करते होंगे सब जो भी है। लेकिन पूरी की पूरी जो धरोहर है, प्राचीन धरोहर, ये सिर्फ नाम लिख के ये पूरी ख़राब कर दी है। इधर देखिए कितने पुराने जो भित्ति चित्र होते हैं वो बने हुए हैं, और ये जो हैं प्रॉपर फूलों से, जो फूलों से रस निकलता है, उस रस से ये भित्ति चित्र बने हुए हैं। ये देखिए जो आज भी हजारों साल बाद भी बिल्कुल कलर नहीं उतरता इनका। और आप ये देखिए, पुराने ज़माने में झरोके होते थे जो चारों तरफ देखने के लिए, और यहाँ पर अब भी बिल्कुल ठंडी ठंडी जो हवा है वो फील हो रही है। आप ये सोचो उस टाइम कितना, जब प्रॉपर सरिस्का का ये गहरा जंगल था, और उस टाइम ये क्या व्यू दिखता होगा, हरा भरा। अभी तो फिर भी काफ़ी पेड़ काट दिए गए हैं, क्या हरा भरा व्यू है इसका। जैसा कि हम इसके टॉप फ्लोर पे आ गए हैं, और आप यहाँ से पूरा का पूरा सरिस्का जंगल का नज़ारा देख सकते हैं। ये जो हर जगह जो पिलर बनाया करते थे, ये वही पिलर हैं। पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एकमात्र जगह कांकनवाड़ी फोर्ट, जो शिकार के लिए, सिर्फ और सिर्फ शिकार के लिए यूज किया गया। यहाँ से जो आप इसका ये गेट देख रहे हैं, एंट्री गेट है ये, और ये कितना शानदार व्यू बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा, आगे दो फ्रंट में दो छतरी, बीच वाली छतरी जो है वो टूट गई है। इधर अभी वो भाई फोन पे बात कर रहा है। गांव के लोग, यहाँ पर नेटवर्क आता है इसलिए यहाँ पर ऊपर चढ़ के बात करते हैं, क्योंकि प्रॉपर गाँव में जो नेटवर्क नहीं आता है। और आप ये पूरा का पूरा डैम देख रहे हैं, ये डैम शायद इसीलिए बनवाया गया हो कि जो पशु है, जंगली पशु है, वो यहाँ पर पानी पीने आते होंगे, और राजा यहाँ पर उनका शिकार करता होगा। जैसा कि आप यहाँ पर ये पूरे के पूरे नारियल खजूर के पेड़ देख रहे हैं, ऐसा व्यतीत होता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भरता होगा, और ये शिमला मनाली टाइप की जो लोकेशन बनती होगी वो इसी जगह पर बनती होगी, इसीलिए राजा ने यहाँ पर अपना शिकार ग्रह के लिए महल बनवाया। फोर्ट से बाहर आते समय एक ये सर्किल सा पड़ता है, शायद प्राचीन समय में यहाँ पर पानी आता होगा, पूरे फ्लो के साथ जब पानी आता होगा तो यहाँ पर इकट्ठा होता होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाइट वाइट जो है ये मार्बल की खान है, और हमने बाहर की तरफ भी आपको दिखाते हैं, ये आप नीचे देखिए, ये प्रॉपर मार्बल की जो खान होती है, ये मार्बल के पहाड़ हैं, ये माउंटेन मार्बल के। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब सरकार की इस पे प्रॉपर नज़र पड़ेगी, या किसी बिजनेसमैन उद्योगपति की, तो इस फोर्ट को खरीद के यहाँ से सारा मार्बल निकाल लेगा और इस प्राचीन धरोहर को नष्ट कर देगा। आप खिड़की सी देख रहे हैं, ये इसका फ्रंट खिड़की हुआ करती थी, और यहाँ से आप जो नज़ारे देख रहे हैं, 1 2 3 जो स्टेप में ये किला बनाया हुआ है, और ये लगभग फोर्ट एक शिप जैसा लग रहा है सामने से देखिए, बिल्कुल गोल गुंबद सा। तो हमने आपको ये पूरा काकनवाड़ी फोर्ट का व्यू दिखा दिया है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।